हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं आईएलटीएस राइटिंग पे एक नया वीडियो। काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका स्कोर कितना भी हार्ड वर्क करें 6.5 तक ही रह जाता है। व्हाई दे आर नॉट एबल टू स्कोर 7 और 7 प्लस, क्योंकि वो लोग ऐसी हैकनी फ्रेजेस यूज कर रहे हैं जो उनको पता ही नहीं कि वो उनकी राइटिंग स्कोर को कितना अफेक्ट कर रही हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको वो फ्रेजेस बताएंगे जो बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो चुकी हैं, आपको ये फ्रेजेस अवॉइड करनी चाहिए। आप इन फ्रेजेस की जगह नेचुरली कुछ भी अपने सेंटेंस यूज करें। डू नॉट क्रैम दीज फ्रेजेस, क्योंकि ऑलरेडी एग्जामिनर्स आर अवेयर अबाउट दीज फ्रेजेस। एक्स एग्जामिनर्स ने भी अपने फीडबैक में यही कहा है कि उनको ऑलरेडी पता है कि ये फ्रेजेस आ गई and they also laugh at these phrases. Avoid using these hackneyed phrases because these have been overused in IELTS writing. These are learned expressions which are not accepted by examiner. तो आज आप ये सारी लिस्ट देखेंगे उन sentences, phrases की जो आपको IELTS writing में नहीं use करना। सबसे पहले आता है this essay will discuss both views and give an opinion, or I will discuss both views and give an opinion in the end. ये यूज करना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी ईयर्स से आयल्स में यूज किया जा रहा है। इनको हम इन फ्रेजेस को क्लीशे एंड हैकनीड मींस द फ्रेजेस विच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन, किसी पिटी लाइन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। दूसरा जो है वो है लास्ट बट नॉट लीस्ट। इट्स बेटर टू राइट लास्टली और लास्ट रादर देन लास्ट बट नॉट लीस्ट। And then the other hackneyed phrase is first and foremost. Kindly avoid this as well. And some people use it in speaking also. And then the next phrase, I think everybody laughs at that every coin has two sides. I don't think you should use these sentences or phrases in IELTS writing. Then the other phrase is with the development of science and technology. मैंने देखा है काफी स्टूडेंट तो अपना हर ऐसे स्टार्ट ही इन लाइन से करते हैं। ये फ्रेज तो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। एक और फ्रेज है जिससे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे, इन द मॉडर्न एरा सिंस द डॉन ऑफ टाइम। अगेन यू मस्ट अवॉइड दिस फ्रेज। द नेक्स्ट फ्रेज इज दिस इज हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। आई हैव सीन कि स्टूडेंट कोई भी टॉपिक आ जाए उसमें यही कहते हैं दिस इज हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल, भले ही वो टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो ही ना। तो आपको ऐसे फ्रेजेस भी अवॉइड करनी है। नेक्स्ट फ्रेज है द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन। आप ही अपना ओपिनियन दे रहे हैं जो आप ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में दे चुके हैं, और आप एंड में अपना कंक्लूजन दे रहे हैं, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं द क्रक्स ऑफ डिस्कशन। वट एवर इज योर ओपिनियन दैट इज क्रक्स ऑफ डिस्कशन ओनली, डोंट अवॉइड दिस फ्रेज ऑल्सो। देन कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो इन अ नटशेल लिखते हैं टू पुट सी इन अ कप। So this is really informal. So avoid writing conclusion like this. And then there are other phrases like it cannot be denied that. Avoid this phrase as well. आपको आपके institutions में पता चला होगा कि आपको examples जरूर add करनी है task 2 essay में। It's good to add examples. You can write to exemplify. For example, for instance. बट मैंने देखा है सारे स्टूडेंट ही अब लिखने लगे अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। तो काइंडली इफ यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ एग्जांपल इट शुड बी यूनिक। डू नॉट रिपीट दोज लाइंस एवरीबॉडी इज राइटिंग अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी। इट्स नॉट पॉसिबल दैट ऑन एवरी टॉपिक देर इज एनी काइंड ऑफ रीसेंट स्टडी पब्लिश्ड। सो मेक श्योर यू आर गिविंग राइट एग्जाम्पल्स। अब आप कहेंगे अगर हम ये फ्रेजेस यूज ना करें तो क्या लिखें। राइट ऑन योर ओन, write your own ideas, your opinion. It should be a unique writing. Task 2, aap khud se likhe, apne views dein. Don't try to impress anyone, especially examiner who is going to assess your writing. Don't try to impress them by using difficult vocabulary. It's better to write on your own so that you can score 7 plus in IELTS writing. I hope this video will help you. For more videos like this, please subscribe our channel. Thank you.